हे वासु गाइस, वेलकम बैक टू अंकित फोटो एडिटिंग। तो गाइस, आज हम करने वाले हैं सीवी एडिटिंग रेडी में, देख सकते हैं ये रेड मूड इफेक्ट में। तो मतलब वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला। और हाँ, इस पूरे एडिटिंग सीखने के लिए आपको पूरा वीडियो एंड तक देखना होगा, पूरे सेटिंग कैसे होती है। तो गाइस, वीडियो अच्छे लगे लाइक जरूर करना, हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना। तो गाइस, सबसे पहले आप देख सकते हैं कुछ हमारा इस तरीके का फ़ोटो था, जैसे देख इस पर मैंने तो कुछ इस तरह का स्मूथ थोड़ा सा कर लिया है। अगर आपने आपको स्मूथ करना नहीं आता, उसका वीडियो मैंने पहले से बना रखा है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, तो गाइस जी, हमें यहाँ पे सिंपली इस फोटो को शेयर करके स्नैपसीड में ओपन कर लेना है कुछ इस तरीके से। तो इस स्नैपसीड को आप सिंपली प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ओके, अब हमें यहाँ अब में टूल्स में आना है। अब इसके बाद सेलेक्टिव टूल्स का देख सकते हैं यहाँ पे है, तो हमें इस सेलेक्टिव टूल को यूज करना है एंड अपने इसे जूम करके अपने फेस पर कुछ इस तरीके से रखना है एंड इसको इतना ओके एंड फेस के मुताबिक अपने इतना इस तरीके से ब्राइटनेस बढ़ा लेना। देख सकते इसी तरह से अपने मतलब स्किन पर जहाँ जहाँ पर हो सिंपली उस तरीके से हमें इस वहाँ पे रख के ब्राइटनेस बढ़ाने लें। ओके, कुछ इस तरीके से आप सिंपली बहुत ही आसानी से कर सकते हो एंड इसके बाद अब हमें बहुत ही अच्छे से हमारा ब्राइटनेस बढ़ गया एंड हमें यहाँ डिटेलिंग में आना है और पूरे डिटेल को बढ़ा देना सिंपली। देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमारे फ़ोटो में डिटेलिंग आ गई है। अब हमें इसे डन करने के बाद ऊपर यहाँ देख सकते हैं, ऊपर यहाँ पे ये कुछ यहाँ पे निशान बना है। यहाँ पे इसके बाद व्यू एडिट्स में जाएंगे, यहाँ पे ये देख सकते हैं व्यू एडिट्स हैं, तो सिंपली इस पर क्लिक करेंगे एंड इसके बाद यहाँ डिटेल पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ब्रश वाले हिसाब पर एंड इसके बाद हमें यहाँ पर इन्वर्ट किनारे मिलेगा, सिंपली इन्वर्ट कर देना है एंड अब हमें इसे अपने फेस पर से सिंपली से रिमूव कर देना। ओके, कुछ इस तरीके से हमें अपने इस फेस पर डिटेलिंग हटा देनी है सिंपली। ओके गाइज, एंड कुछ इस तरीके से होने के बाद हम थोड़ा सा बढ़ा लेंगे एंड अपने हेयर पर से कुछ इस तरीके से हटा लेंगे। ओके, 50 पे ओके एंड इसके बाद हमें सिंपली इसे और डन कर देना है कुछ। ओके, तो हमारा सिंपली ये स्टेप पूरा हो गया है एंड अब हमें इसे डन करके सिंपली फ़ोटो को सेव कर लेते हैं एंड हमारा सिंपली फ़ोटो सेव हो गया है कुछ इस तरीके से, देख सकते हैं। अब हमें इसे सिंपली शेयर करके लाइट रूम में ओपन कर लेना है एंड अब हमारा लाइट रूम में बहुत ही मतलब सारे सेटिंग होंगे बहुत ही अच्छे से, तो आपको ये पूरे सेटिंग ध्यान से देखना होगा। ओके, एंड अब हमें इस ऑल फोटो में जाके सिंपली फ़ोटो को ओपन कर लेते हैं कुछ इस तरीके, देख सकते हैं हमारा फ़ोटो ओपन हो गया एंड अब आपको यहाँ पे ये देख सकते हैं ब्राइटनेस के ये ऊपर मिल रहा ऑटो का, सिंपली इस पर क्लिक कर देना है ऑटो ब्राइटनेस कुछ इस तरीके से। आपका देख सकते हैं ये अपने आप फिक्स हो जाएगा, लाइट रूम में ऑप्शन है सिंपली। ओके, एंड अब हमें यहाँ पे ऊपर उसके जाना है, देख सकते हैं प्रोफाइल का ऑप्शन है, सिंपली इस पर क्लिक करना होगा एंड इसके नीचे आर्टिस्टिक 03 पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर देख सकते हैं आर्टिस्टिक 03 एंड इसके बाद इसके अमाउंट को ना पूरा इसे 100 कर मतलब पूरा एकदम कर देना है एंड इसके बाद सिंपली इसे डन कर देंगे एंड अब हमें अपने फेस पर थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ाना है। इसके लिए आपको सिलेक्टिव टूल पे जाना होगा एंड इस सिलेक्टिव टूल का वर्जन का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ओके, एंड यहाँ पर सिंपली इस वाले को अपने फेस पर इस तरीके से एडजस्ट करना है एंड इसके बाद गाइज हमें एक्सपोजर को कुछ इस तरीके से बढ़ा लेना है एंड थोड़ा बहुत सेटिंग यहाँ से अपने फेस पे कर लेंगे, कंसंट्रेट एंड जो भी शैडो है मतलब आपको अपने फेस के हिसाब से सिंपली कर लेना। ओके गाइज, कुछ इस तरीके से हम कर लेते हैं सिंपली ओके। तो एंड यहाँ पे सिलेक्टिव टूल का यूज करके आप सिंपली यहाँ पे मतलब ब्रश वाले अपने हैंड पे कर लेना है, मतलब अच्छे से करना है। मैं आपको दिखा रहा हूँ इसलिए उतना अच्छे से नहीं परफेक्ट हो रहा, जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, तो सिंपली आप मतलब आराम से जल्दी नहीं है आराम से करना तो बहुत ही अच्छे से होगा एंड यहाँ हैंड्स पर भी आप सिंपली कर लेना, अभी मतलब उतना सही से नहीं हुआ है तो मतलब थोड़ा सा आराम से जल्दी से कर लेना। ओके, इस तरीके से
यहाँ पे आप मतलब एकदम जूम करके आप थोड़े थोड़े ब्राइटनेस को अपनी मतलब हैंड पर भी जहाँ भी स्किन होगा सिंपली वहाँ पे इस तरीके से ब्राइटनेस बढ़ा लेना। ओके एंड कुछ इस तरीके से देख सकते हमारा प्राप्त हो गया है फोटो। एंड अब हमें यहाँ कलर में जाना है, एस शॉट को कस्ट्यूम करना है एंड इसके बाद मिक्स टूल में जाना है। एंड मिक्स टूल में जाने के बाद हमें ये ऑरेंज वाले पे जाना है एंड सिंपली इसका ल्यूमिनेस को ना बढ़ा देना है। ओके कुछ इस तरीके देख सकते हैं। एंड इसके बाद हमें येलो पे जाना है, यहाँ पे ह्यू को ना कम कर लेते हैं एंड सेचुरेशन को बढ़ा लेंगे। एंड इसके बाद हमें ग्रीन में जाना है, ग्रीन में ह्यू को कम करना है एंड इसके बाद इसके भी सेचुरेशन बढ़ा देंगे। एंड ये ब्लू वाले टोन को आप रख आपको अगर रखना है तो सिंपली रख सकते हैं अपने क्लॉथ के हिसाब से सिंपली। अगर ये अच्छा लगे देखने में तो रखिए, मुझे तो नहीं रख रहा है तो इसलिए मैं नहीं रखता हूँ सिंपली। ओके इतना ओके एंड इसके बाद सिंपली हम इसे यहाँ पे डन कर देंगे। एंड अब हमें टेम्परेचर को यहाँ पे बढ़ाने देख सकते हैं कि ये इफ़ेक्ट काफ़ी टेम्परेचर बढ़ाने पा रहा है रेड वाला। एंड इसके बाद टिंट को भी बढ़ा देंगे एंड इसके बाद हमें वाइब्रेंस का ऑप्शन आएगा, ये वाइब्रेंस देख सकते हो, वाइब्रेंस भी बढ़ा लेंगे कुछ इस तरीके से। एंड यहाँ ये सेचुरेशन जो है ना इसका देखते हैं कि कितना रखना है हमें, कुछ ज़्यादा दिख रहा है थोड़ा, लगभग 11 पे करते हैं और सही। एंड इसके बाद अब हमें देख सकते हैं बिफोर कुछ आफ्टर बहुत ही अच्छा दिखने में लग रहा है। एंड अब हम इसमें थोड़ा इफेक्ट डालते हैं मतलब डिटेलिंग वटेलिंग अपने फ़ोटो में, तो यहाँ इसके लिए टेक्स्चर को थोड़ा सा कम करेंगे एंड यहाँ पे क्लियरिटी को बढ़ा लेंगे लगभग ओके इतना रखते हैं 58। एंड इसके बाद डीएच को थोड़ा सा बढ़ाएंगे लगभग 15। एंड इसके बाद विंटेज को कम कर लेंगे, विंटेज को थोड़ा सा कम करेंगे ओके ज़्यादा नहीं। एंड इसके बाद डिटेलिंग में आके सिंपली शार्पिंग को बढ़ा लेंगे, जो भी हमारे फ़ोटो में शार्पनेस बहुत ही अच्छे से आ गया है। एंड इसके बाद नॉइज रिडक्शन को बढ़ाएंगे जिससे हमारे फ़ोटो में बहुत ही अच्छे स्मूथनेस आ जाएगा। एंड इसके बाद कलर नॉइज रिडक्शन को भी बढ़ाएंगे जिससे हमारे फ़ोटो में देख सकते कलर में जो नॉइज है वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। एंड कुछ इस तरीके से बहुत ही क्रिएटिव से हमारे फ़ोटो आ जाएगा देखने में, देख सकते हैं कि कुछ बहुत ही अच्छे से हमारे फ़ोटो में ये इफ़ेक्ट आ गया है। सो गाइज आपको ये फ़ोटो देख सकते हैं कि मतलब इस तरीके से वीडियो एडिटिंग करते हैं। सो गाइज आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना एंड गाइज इस वीडियो को शेयर भी कर देना और कमेंट करके बताओ कि कैसा लगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।